यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को डोलिया कहाँ नहीं एक डोलिया कहाँ। क्या इसी बूढ़े बैल पर बैठकर मेरी बेटी जी जाएगी यहाँ से? ऐसन बिचौलिया पर, बिचौलिया नारद जी है ना, ऐसन बिचौलिया पर गिरे ना बिजुलिया हो डराई। नैया मोर दुबौलन मझधार हो को मझधार में डुबा दिया नारद ने। माता पार्वती से, माँ के मुख से अपने गुरुदेव की इस प्रकार की भर्त्सना नहीं सही गई भगवती पार्वती से, तो आकर मैया की गोदी में बैठ गई, छोड़ी पकड़कर कहने लगी, माँ मेरे गुरुदेव को क्यों गाली दे रही है, उनकी क्या गलती थी? तुम लोगों ने पूछा कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, तो लिखा हुआ था ब्रह्मा का, और तुम्हारे पूछने पर केवल पढ़ के सुना दिया है, तो इसमें मेरे गुरुदेव की क्या गलती है, उन्हें क्यों गाली दे रही है? तो कहा कि चल तेरे गुरुजी की नहीं उनके बाबूजी की सही, नारद के पिता है ब्रह्मा, उनकी उनका लेख है ना, तो ब्रह्मा ने ऐसी गलती क्यों की? कसकीन विधि बौरावर जे तुम्हें सुंदरता दई, जो फर चाहिए सुरतर ही सो बरबस बबूरे लागे। पार्वती जैसी बेटी रूपी फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, सही बबूल में लगाने जा रहा, शंकर जी को बबूल कह रही। श्री पार्वती जी बोली कि माँ अगर थोड़ी देर के लिए मान लो, ब्रह्मा ने, ब्रह्मा तो गलत लिखता नहीं है, कदाचित गलत लिख भी दिया तो क्या तुम में है क्षमता जो विधाता के लेख को मिटा सको? तुम सन मिटी की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हूँ कलंका, जन ले हूँ मात कलंक, करुणा परिहर हूँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊँ तहीं। जो मेरे भाग में लिखा गया है वो तो चाहे मैं कहीं जाऊँ मुझे मिलना है, तू तो उसमें क्या कर सकती है? परार्थे चिंतनम देवी तत्व ज्ञाने न पंडिता न कुर्वंती महात्मानु व्यर्थ में न संशय। ऐसी ज्ञानवती बेटी के ऐसे आश्वासन भरे शब्दों को सुनकर और करुणा उमड़ आई मैया को, ऐसी मेरी सुंदरी बेटी, ज्ञानवती बेटी, और ऐसे पागल के साथ ब्याही जा रही है, क्या करूं? बेटी की सांत्वना के लिए मैया को थोड़ा शांत होना पड़ा। इतने में हाँ, इधर अब देखिए वर पक्ष में क्या हो रहा। जब मैया थाल पटक के भाग गई तो भोलेनाथ की जगह दूसरा कोई होता तो कहता वास अब दरवाजे पर बुलाकर हमारा ये अपमान, लेकिन ये तो भोलानाथ है, इसमें इन्होंने अपना अपमान नहीं माना। कुछ लोगों ने उसकाया भी कि भोलेनाथ आपकी सास बड़ी नासमझ मालूम होती है। बोले क्यों? कहा कि ना अर्घ दिया ना आरती उतारी, थाल पटक के क्यों भाग गई? इसमें एक भाव तो गुरुदेव का करते थे, जी चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। शंकर जी ने कहा तुम लोग समझे नहीं, भिन्न भिन्न सब देश के रस्म रिवाज और गीत, करनो थो सो कर गई सासु हमारी रीत। हो सकता है हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से आरती परीक्षण होता हो कि सामान सज के लाओ, दुल्हा के सामने पटको और चल दो। तो बोले कि इस देश के रस्म के अनुसार हो गया आरती परीक्षण, अब क्या यहाँ चलो।
एक ने कहा महाराज अर्घ तो देती, कहा कि तुम लोग नहीं समझे। अरे पहले मामूली दूल्हा समझ करके एक लोटा में झारी में जल लेके आई होंगी अर्घ देने के लिए, जब देखा कि यहाँ तो गंगा की धार चल रही है तो अब वहां पर एक लोटा पानी की क्या कीमत। आरती तो उतारती, कहा कि हाँ उन्होंने पहले सोचा होगा मामूली दूल्हा होगा, काला कलूटा दूल्हा होगा, इसलिए बत्ती जोर करके और आरती उतारने के लिए आई। लेकिन जब देखा कि अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूरज भी जिनके सामने फीके पड़ रहे हैं, अब क्या उनको दो चार बत्ती की आरती यो करना, तो अपमान होगा। इसलिए विष्णु भगवान बोले कि असल बात मैं बताऊं। बोले आप ही कहिए। तो बोले कि असल बात यह है कि जस दुल्लह तस आरती, जस दुल्लह तस आरती पूजन भर उपचार, गिरिवर अनुसर, जैसे गिरिराज हिमाचल अपने उबड़ खाबड़ है तो गिरिवर अनुसर भर मिलो और बर लायक ससुरार, सियावर रामचंद्र की। इधर श्री हिमाचल जी को चिंता लगी कि मैना बहुत उग्र रूप में आ गई है, कहती हैं कि संघ की सहेलियों ये गीत वाद्य बंद करो, कलश को उठाओ, जा मंडप उजाड़ दो, बर को बरात को भगाओ फटकार वेग, होवे ना विवाह कुंडा मार के किवाड़ दो, ब्याह नहीं होगा ऐसे पागल के साथ। तब हिमाचल जी को चिंता लगी, नारद बाबा से कहा कि बाबा आपकी बात रद्द होने वाली तो है नहीं, बर पावक प्रगटे शशिमाही, नारद वचन अन्यथा नाही, आप जरा चल करके तुम्ही ने दर्द दिया है तो तुम्ही दवा दे, चल करके समझा दीजिए। तब तेही अवसर मुनि नारद, अकेले नहीं, अकेले जाएंगे तो कहीं झंझट में न पड़ जाए, मैया उनका उग्र रूप हो रहा। तेही अवसर मुनि नारद अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत, तब नारद सब ही समझावा, पूरब जन्म प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मम पानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना शांत होकर मेरी बात सुनो, भले तुम इनको अपनी बेटी समझ रही हो, समझो इन्होंने तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान किया है, वास्तव में ये पार्वती स्वयं जगत जननी है, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, और ये भोलेनाथ जो है जगत पिता है और विश्वनाथ है। पूर्व जन्म का भी प्रसंग सुनाया, मैया को तसल्ली हुई, सुन नारद के वचन तब सबकर मिटा विषाद, घर घर व्याप्य सकल पुरछन महे असंवाद। तब मैना मैया ने कहा कि नारद बाबा आपके कहने से मुझे तो तसल्ली हो गई, लेकिन जब बिचौलिया बने हो तो एक ही तरफ को मत समझाओ, कन्या पक्ष तो समझ गया, जरा वर पक्ष को भी समझा दो कि एक बार दूल्हा के वेश में आकर के दर्शन दे दे मेरी भाईली सहेलियों को। हाँ कैलाश पर जाकर इससे भी विभत्स और रौद्र और भयानक और कैसे कैसे रूप बनाते रहेंगे, मेरी बेटी राजी है झेल लेगी सब, लेकिन एक बार जरा ससुराल वालों को दूल्हा वेश का दर्शन दे दे। तो नारद जी ने जाके प्रार्थना की, उतना समय नहीं है व्याख्या का, एक एक गीत और कवित्वों के द्वारा समय के अनुसार संक्षेप में समझिए। सुन नारद की प्रार्थना आशुतोष त्रिपुरार, विकट वेश तज के तुरत लीन वेश बरधार। अब फिर पूरब की भाषा का एक गीत गा ले, दृश्य परिवर्तित हो रहा है।
महीना के मनावे खातिर लागल धरहरिया धरहरिया एक भोजपुरी शब्द है। इसका अर्थ होता है कि जब दो पक्ष टकराव की स्थिति में आते हैं तो बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, भाई ठहरो, जरा गंभीरता समझो, परिस्थिति को समझो, उतावली मत दिखाओ, बात समझो। तो बीच बचाव करने वाले को धरहरिया कहते हैं। उधर तो मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना सुनता शिव जब नारद जी के दरिया, सुनता शिव जब नारद जी के दरिया। नारद जी के प्रति गाली दे रही है मैया, जब ये सुना तो शंकर जी को दया आई कि इस बेचारे नारद ने तो तारकासुर के अत्याचार से जगत की रक्षा करने के लिए ये विवाह रचाया, मिलना तो चाहिए था पुरस्कार, लेकिन बेचारे को गाली मिल रही है। इसलिए सुनतान शिव जब नारद जी के घरिया, सुनतान शिव जब नारद जी के घरिया, रूपवा तुरंत दैले खेल मन हरिया, मैना के मनावे खातिर मनोहर रूप में भोलेनाथ उपस्थित हुए। कोट मनोज मनोहर गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल में वर्णन किया है, अब तो कोट मनोज मनोहर लग रहे हैं। सुंदर शरीर सिर सोने के मौरिया, सुंदर शरीर सिर सोने के मौरिया, कानन कुंडल जल मोतिन के लरिया, मैना के मनावे खातिर कानन कुंडल जल मोतिन के लरिया, मैना के मनावे। अजी अचकन पीतांबर से चमके शरीरिया, अचकन रुमाल कांधे रेशमी चदरिया, मैना के ओ हाथ में रुमाल कांधे रेशमी चदरिया, मैना के मनावे। और सोने के पालकी में करके सवरिया, सोने के पालकी में करके सवरिया, अगल बगल डोले सुंदर चवरिया, मैना के मनावे खातिर अगल से रात लगे दिन दोपहरिया, रोशनी के सखी समझा के चढ़ी कोठवा तेरिया, मैना के मनावे खातिर सखी समझा के चढ़ी कोठवा तेरिया, मैना के ओढ़ी मैना, पेनी ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया, पेनी ओढ़ी मैना जब पावेली खबरिया, परिछन समाज चल ताजली निखरिया, मैना के मनावे खातिर परिछन ताजली निखरिया, मैना के मैया को खबर मिली कि मैया अब दूल्हा का ठाट देखो। सो मैना जी खूब और पैर करके तैयार होकर के जब दरवाजे पर आई और कोट मनोज मनोहर छवि देखी भोलेनाथ की, सो महाराज मुग्ध हो गई, कहा कि सचमुच में मेरा जमाई राजा विश्वनाथ, किसका जमाई ऐसा ठाट बाट वाला हो सकता। इसके बाद आरती परिछन के साथ में मंडप में लाया गया, औरों के लिए बैठने का आसन कोई बड़े ही लोहार बनाता होगा, और इनके लिए सिंहासन अति दिव्य स्वभावा, जो कि बर निन जाई बिरंची बनावा। रचना के दृष्टाता ब्रह्मा ने सिंहासन तैयार किया है, उस पर बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। और लोग विवाह के समय दुल्हन का ध्यान करते होंगे,
और ये विवाह के मंडप में भी हृदय स्मृति प्रभु रघुराय कैसी अखंड स्मृति है प्रभु की। इसके बाद पद प्रक्षालन हुआ, गिरिराज कृतार्थ हो गए इनका चरणोदक लेकर के। इसके बाद पाणी ग्रहण, गोस्वामी जी के शब्दों में गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवही समर्पी जान भवानी, पाणी ग्रहण जब तीन महेशा, पाणी ग्रहण जब तीन महेशा, यह से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर में दो तीन तरह का भाव लोगों के हृदय में उमड़ता है। देवता लोग हर्षित हो गए हैं कि अब तक हमें संदेह था शिव जी राजी होंगे कि नहीं ब्याह के लिए, राजी नहीं होंगे तो जगत रोता रहेगा तारक के अत्याचार से। अब ही हर्षे तब सकल सुरेशा, माता मैना से पूछिए, माता मैना की आंखें गंगा जमुना से प्रवाहित हो रही हैं। क्यों? बोले कि जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा, आज उसको घर से बाहर भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन मन को समझाना पड़ता है, ये कन्या धन है और को राखी सके को ना, जाकी थाती उन्हीं को सौंपत उऋण कहा। माताएं व्यंग विनोद में लगी हुई है, सखियां पार्वती जी की व्यंग विनोद में लगी हुई है। जब विश्व के दानी शिरोमणि एक दानी शिरोमणि सांचे श्री रघुनाथ जी जब जनकपुर में जाकर के पाणी ग्रहण के समय में यूं हाथ फैलाते हैं, सब जानते हैं पाणी ग्रहण के समय में वर का हाथ नीचे होता है और कन्या का हाथ ऊपर आता है, कन्या का हाथ बाद में आएगा, वर का हाथ पहले ही होता है। जब राम जी को यूं हाथ करते देखा जनकपुर वाली सखियों ने, तो कहा था देख लो दुनिया वालों, अब तक तो ख्याति थी कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। आज तक राम सारे विश्व के दाता थे, लेकिन आज देख लो सारे विश्व का जो दानी शिरोमणि आज जनकपुर में मंगता बन रहा है। यूं दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, किंतु जाचक बने विदेहपुर मेरे सीहित ओड़े हाथ। तो वो तो कभी याचना नहीं किए, आज याचना कर रहे हैं तो ये चुटकी ली गई। और शिव जी के लिए क्या कहा जाए, तो नित्य याचना ही करते फिरते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाए। लेकिन इनके लिए भी एक बड़ी रसमयी बात सखियों ने कही, मांगत अन्न, अब तक अन्न मांगते फिरते थे, मांगत अन्न शिव गए मांग बो सीख, मांगत अब गिरिराज
आज से अन्नपूर्णा की भीख। अब तक अन्न मांगते थे, आज अन्नपूर्णा की याचना कर रहे हैं। पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा। इसके बाद ग्रंथिबंधन पर भी रसिकों ने बड़ी बड़ी बातें कही है। श्री रहीम जी बड़े रसिक हैं, भक्त हैं, कवि हृदय है। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चित काय, क्योंकि टूटे से फिर ना जुरे और जुरे तो गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ने से नुकसान क्या? बोले कि रहीमन देखो ऊख में गन्ना, रहीमन देखो ऊख में जहां रसन की खान, लेकिन उसमें भी जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रेम में हान। दो प्रेमियों के बीच में अटपटी गांठ अगर पड़ गई तो एक चर्चा का विषय हो जाता है, आलोचना का विषय हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो नियम हो सकता है, अपवाद भी तो होता है ना। अपवाद क्या? बोले जहां गांठ तहां रस नहीं, ये कहत सबको, लेकिन मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। सियावर रामचंद्र की मंडप वाली गांठ जो है, तो जब तक गांठ नहीं पड़ी रहती है तब तक बात विरस सी लगती है, और मंडप वाली गांठ जब ग्रंथि बंधन हो जाता है तो जीवन इनका सरस हो उठता है। ये है कौन दोनों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी तो श्रद्धा है और भव विश्वास है। आपके जीवन में श्रद्धा कहीं और विश्वास कहीं और हो तो बात बनने वाली नहीं है। और ये किसी व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो समष्टि के विश्वास है। ये तो समष्टि की श्रद्धा है, तो समष्टि की श्रद्धा कहीं और हो, समष्टि का विश्वास कहीं और हो, तो तारकासुर नहीं मरेगा, जगत की रक्षा नहीं होगी। इसलिए इस समष्टि की श्रद्धा और समष्टि के विश्वास का ग्रंथि बंधन होना आवश्यक है जगत के हित की दृष्टि से। भगवान भोलेनाथ और भवानी के जीवन में दोनों तरह की गांठ दिखाई पड़ रही है। जब ये सती के रूप में थी तो गांठ जुरी अटपट प्रथम शंभु सती के बीच, करनी ऐसी कर गई कि बरनी पड़ गई नीच। पहले वाली जो गांठ थी, मैं नहीं मानती कि ये भगवान है जिनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया, नहीं मानती तो परीक्षा ले लो, लेकिन विवेकपूर्ण परीक्षा लेना, विवेकहीन परीक्षा मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परीक्षा भी ली, लेने के देने भी पड़ गए, और फिर आके झूठ भी बोल गई, कछु न परीक्षा ली न गोस्वामी। इसीलिए तो गांठ पड़ गई थी शंभ सती के बीच, और अब वो अटपट गांठ को हटा करके और रसमयी गांठ जुड़ाने वाले कौन है? बोले संत और भगवंत, संत नारद जी और भगवंत राम जी। जाय विवाह शैलज ही यह मुहि मांगे दे। इसलिए जीवन में ऐसी कोई अटपटी गांठ अगर पड़ जाए तो संत और भगवंत से उसको सुलझवा लेना चाहिए। आज वो गांठ सुलझ गई और रसमयी गांठ जुड़ गई। इसके बाद अब भांवरी का एक गीत गा ले। शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, बिजली सी चमके जामे जरीदार छोरे, सोहे लहंगा पटोर है, गुलाबी
सुंदरी में चांद सितारे चमके करो रे आँखी के पुतरिया बेटी रूप के निचोरे आँखी के और गौरी के गुलाबा कपूर ऐसन गोरे गौरी के गुलाबा कपूर ऐसन गोरे गौरी के गुलाबा कपूर सुंदरी पीतांबर दुपट्टा दोनों के बटोरे गावत बजावत सखी सब किनी गच जोर है मंडप कर जगमग जगमग पूरण अजोर है मंडप कर जगमग जगमग झांकी देखी सब ही विभोर है भावरी की झांकी देखी सब विभोर है भावरी की झांकी देखी सब ही विभोर है बोलो श्री गौरी शंकर भगवान अब सिंदूरदान सिंदूरदान के समय भी सखियों ने चुटकी ली भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरू भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरू अब तक तो रहे जटाधारी और दिगंबर भोला अब तक तो रहे जटाधारी और दिगंबर भोला अब तो कुर्ता धोती वाला अन्नपूर्णा नहीं आई थी तब तक भांग धतूर की पत्ती चबाते फिरे और अब बड़े भाग्य पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा बड़े भाग्य पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा अब तो दूरी अपनी झोली में के भांग करूं अब तो दूरी अपनी झोली में के भांग करूं भोला सिंह इसके बाद कोहबर कोहबर होता सब जगह है क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम हो जाते हैं कोहबर उस घर का नाम है उस कमरे का उस कोठरी का नाम है जिसमें माताएं अपने हाथों से दीवाल पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती हैं कहीं उसे छापा घर कहीं देवी घर कहीं देवता घर कहीं घी आबाती कहीं दूधा बाती कहीं हास आवास इत्यादि नामों से संबोधन करते हैं पूरब में इसे कोहबर घर कहते हैं कोहबर क्यों कहा जाता है इसकी व्याख्या में ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं कोहेवर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन कोहेवर इन दून में सीता या श्री राम या को निर्णय हो जहां सो घर को है वर नाम तो कोवर घर में जब लेके चलती हैं तो कुछ सखियां दरवाजे पर आकर के यो अड़ जाती हैं दूल्हा जी कहते हैं कि आप ही लोग बुला करके लाएं कि कोवर घर में चलिए
और आप ही लोग दरवाजा क्यों रोक रही हैं? तो कहा कि यहाँ की कुछ रस्म है। वो क्या? कहा कि द्वार की छिकाई पहले नेग तो चुकाओ, भोला पीछे अंदर जाओ। द्वार की छिकाई पहले नेग तो चुकाओ, भोला पीछे अंदर जाओ। कुछ नेग चुका के तब अंदर जाया जाता है, ऐसे मुफ्त में नहीं। तो करके विवाह बोला को बरगर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। करके विवाह बोला को बरगर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। सारी सरहज द्वार छेक लीनिया, सारी सरहज द्वार छेक लीनिया। नेक दीजिए दुल्हा बाबू जो माए, धीरे धीरे मुस्काए। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।